अरे मैं तुम ऐसे नहीं जाने दूंगी, प्लीज मैं तुम ऐसे नहीं जाने दूंगी। फरहान झूठ बोलो, तुम उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? तुम नहीं जानते वो कैसा इंसान है, मुझे फंसा रहा है। प्लीज की बात पे यकीन मत करो, वो झूठ बोल रहा है। तुम उस पे एतबार है, तुम मुझे नहीं जानते अज़र। जानता ही तो नहीं था तुम्हें, हट जा मेरे सामने से। नहीं अज़र नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। अज़र प्लीज प्लीज मेरे यकीन करो, वो झूठ बोल रहा है। बस करो सना। फरहान झूठा है अज़र, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने। बस मैंने तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दी। तलाक, तलाक, तलाक। बस इतनी सी बात थी, खेल खत्म तो रिश्ता भी खत्म। मैंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि आज़र की जिंदगी से भी तुम्हें बाहर निकाल दिया। Get lost from the house. Get lost. मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस कनाडा मूव करता हूँ। ये अचानक ख्याल कैसे आ गया? भाई तो बहुत देर से इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊं। अब मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि दिस इज अबाउट टाइम। तुम्हारा क्या ख्याल? मर्जी है तुम्हारी। इतनी मुश्किल से तुमने अपना करियर बनाया है, एस्टेब्लिश हो चुका, अब एकदम सब कुछ वाइंड अप करके नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मेरा भी यही ख्याल था कि सब कुछ सेटल्ड है, मगर अब लगता है कि नहीं, एक अधूरा पंसा है। माँ भाई है, उनके बच्चे हैं, हो सकता है ये कमी महसूस ना। ठीक है, जैसे तुम सही समझती हो वैसे करो। वैसे भी मैं यहां हूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? तो किसके मेरा यहां कौन? मुझे माफ कर देना बाबा। क्या करके आए हो?
बोलते क्यों नहीं? बोलो सना। ओ, तो वही हुआ। सना ने मुझे बर्बाद कर दिया बाबा, कहीं का नहीं छोड़ा उसने। चीपी जी मार दिया उसने मुझे। क्या हुआ? हुआ क्या है? सना ने और फरहान ने साजिश की मेरे खिलाफ, मुझे धोखा दिया उन्होंने, और मैं उनकी बातों में आता चला गया। और ये बात मेरे सामने आज खुली। मैंने मनाल को भी इतने दुख दिए, उसकी बात सुनी तक नहीं। बाबा, बाबा प्लीज आप मनाल से बात करें। आप ऐसा करें, मनाल के पास जाएं, उसे बताएं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसे बात करें, उसे उसे प्लीज वापस ले आए। हाजिर उसे मनाने के लिए सहारे मत ढूंढो। अब जो करना है तुमने खुद करना। नहीं पापा, मुझसे हिम्मत नहीं होगी। अब बात तो करें ना। अब एक बार बात करें, फिर मैं एक बार के हजार बार माफी मांगने को तैयार हूं उसे। लेकिन अब बात शुरू तो करें प्लीज। बैठो बैठो। देखो आज़र, ना तो मैं उसे फोन करूंगा और ना लेने जाऊंगा। तो फिर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी? अगर उसे इस घर में कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ तुम। वो मान जाएगी अगर तुम्हारा जज्बा सच्चा है और तुम दिल से माफी मांग रहे हो, तो मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। मुझे नहीं लगता बाबा। मैंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। पहले तुम सिर्फ एक फर्ज निभाने के लिए उसे मनाने गए थे, अब पूरा एतमाद होकर जाओ सच्चे जज्बे के साथ। अगर तुम्हारे जज्बे में सच्चाई और सदाकत है तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। सना बाजी आई हैं आपसे मिलने, बुला रही हैं आपको। नहीं पापा, मैं खुद बात करूंगा उससे। क्या करी हो तुम यहां पे? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम मेरे सामने खड़ी भी हो। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। चले जाओ यहां से। गेट आउट। आज़र, मैं मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? आई सेड गेट आउट। मैं तुम ऐसे नहीं समझोगी। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। निकलो यहां से। आज़र प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? क्या कसूर था मेरा? सिर्फ तुमसे शादी नहीं की ना मैंने। तुम्हें क्या पता जिंदगी में क्या मकाम दिया हुआ था मैंने तुम्हें? मैं मानती हूं कि मुझसे भूल हुई है। भूल? इसे तुम भूल कहती हो? अरे मैंने आंखें बंद करके तुम पे एतबार किया।
और तुमने मेरी ही पीठ पे छुरा घोंपा। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पागल हो गई थी आज़र। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे वजूद से भी घिन आ रही है। अगर अपनी गलती का इजहार करना चाहती हो फिर भी, तो आज की बात मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया आज़र। तुम जानती भी मोहब्बत होती क्या है? तुम मोहब्बत कर ही नहीं सकते। क्योंकि तुम्हारी रग रग में जहर भरा हुआ है। तुम सिर्फ डर सकती हो बस। चलिए यहां से, चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें थक के तेरे घर से बाहर निकाल दूं। चली जाओ प्लीज आज़र, प्लीज सना, चली जाओ यहां से। जाओ यहां से। आज़र नहीं, आज़र प्लीज मेरी बात तो सुनो। आज़र तुम जानती हो गाजी, तुम्हें ये भी मालूम है कि उसके दिल में क्या है, लेकिन कभी भी वो अपने मुंह से नहीं कहेगा। तो ना सही, इतनी जिंदगी गुजर गई है, बाकी भी गुजर जाएगी। जहां मोहब्बत होती है वहां ईगो का क्या काम? आयशा बाजी, मसला ईगो का नहीं है, मामला मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो तुम वाकई उसे छोड़कर चली जाओगी? जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ रहूं या ना रहूं इससे क्या फर्क पड़ता है? नीलम, तुम गलत समझ रही हो कि उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो फिर रोक लेगा। मैं यही बात तो तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो चाहते हुए भी कभी रोकेगा नहीं तुम्हें। तो मैं रुकूंगी नहीं। इतनी छोटी सी बात को पकड़ कर बैठने का कोई फायदा नहीं है नीलम। ये इतनी सी बात नहीं है, कभी तो उसको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। आप जानती हैं, माजी में मैं खुद आई थी उसके पास और उससे कहा था कि मुझसे शादी कर दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो पछताया भी है अपने फैसले पर, इसीलिए तो आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कैसा इंतजार? मैं सामने आई हूं तो फिर भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। नहीं आशा, अब नहीं, अब मैं एक बार और उसके मुंह से इनकार नहीं सुन सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आई हो यहाँ? मैं मिनाल से मिलने आई। क्यों मिलेगी मिनाल तुमसे? कभी भी नहीं मिलना चाहेगी। निकल आइए तुम लोगों की साजिशों की दुनिया से, वो अब उसका कोई लेना देना नहीं है। आई नो, लेकिन सिर्फ एक बार आप मुझे मिनाल से मिलने दे प्लीज। जब उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, जिससे ताल्लुक था वही खत्म होने जा रहा है, तो खत्म होने जा रहा है हुआ तो नहीं है? उसे को बचाने की कोशिश करनी है। ये तुम्हें अचानक मिनाल से हमदर्दी क्यों होने लगी? अपने आप से तुमने खामखे में आने की तकलीफ करी। मुझे तुम्हारे इतराफ जुल्म की कोई जरूरत नहीं कि मैं पहले दिन से जानती हूं तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। फिर तुम्हें नजर क्यों नहीं आया कि आज़र बेकसूर है?
जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी और फरहान की साजिश थी। सर कोई बच्चे नहीं है जो तुम दोनों के हाथों खिलौने बनते रहे। क्यों नहीं इस्तेमाल करी उन्हें अपनी अकल, अपनी सोच, अपनी आंखें? वो इसलिए क्योंकि आजर का मैं ब्रेन वॉश कर रही थी, भड़का रही थी उसे। ओ, इसका मतलब तो आजर एक रोबोट की तरह हुए ना, जिनके अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तुम उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह चलाती रही, और अब जबकि तुम्हारा इस गेम से, इस खेल से दिल उकता गया है, तो वापस मुझे सौंपने आ गए। लेकिन अब मैं इसका क्या करूं? मैं आजर की जिंदगी से निकल चुकी हूं मीना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उनकी जिंदगी में हो या ना। तुम नहीं हो तो कल कोई और आ जाएगी, आके उनका ब्रेन वॉश करेगी और आजर एक बार फिर किसी और की जबान बोलने लगेगी। ठीक है, आजर बेवकूफ था, अगर तुम तो नहीं थी फिर तुम कैसे हमारी साजिशों का शिकार बनी? बार बार फरहान का तुम्हारे घर आना, वो फूल, वो गिफ्ट्स तुम्हें भेजना, ना पसंद करने के बावजूद भी तुम उसे क्यों नहीं रोक सकी मीना? इसी वजह से आजर गलत फहमी में मुब्तला हो गया। आजर ने मुझ पे कभी एतबार किया ही नहीं। अगर आजर ने मुझ पे भरोसा किया होता तो तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाते, कोई हैसियत नहीं होती तुम्हारी नाम निहाद साजिशों की। तुम्हें ये स्पेस इसलिए मिला क्योंकि हमारा रिश्ता मजबूत नहीं था। मैं आजर को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुकी। इसके सिवा मुझे तुमसे और कुछ नहीं था। हम सब मिनाल के साथ ही खड़े थे अब तक, लेकिन अब जब कि सब कुछ उसे मालूम हो गया है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, वो फिर भी वहीं की वहीं खड़ी है। ये सिवाय ईगो के और तो कुछ नहीं है, उसे समझाना पड़ेगा। अहमद भाई, आप क्या समझते हैं मैंने कोई कसर छोड़ी होगी उसको समझाने की? हर तरह से समझाने की कोशिश की है मैंने। आप जाके मैं इस नतीजे पे पहुंचाऊ तो उसको समझाना बेकार है। गाजी समझाना तो पड़ेगा, मनाल को इस तरह उसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। उसको जितना भी समझाओ उतना ही वो मजबूत होती चली जाती है। हम उसको इस सिलसिले में समझाना बेकार है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म? सब कुछ खत्म। आजर ने पछताने में बहुत देर कर दी, अब उसको उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। खैर, पछताएगी तो मिनाल भी बहुत। हम बस यही कर सकते हैं कि बखैर खूबी इस रिश्ते को खत्म कर दें। अहमद भाई, हम एक और काम भी तो कर सकते हैं। क्या? ये लो, तुम्हारे लिए आया है।
क्या है ये? मुझे तलाक भेजना। अच्छा, तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, तुम भी तो यही चाहती थी। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो नहीं रो रही, कहाँ रो रही हूँ मैं? आंसू बहे जा रहे हैं और कह रही हो कि मैं रो नहीं रही। पता नहीं क्यों बह रहे हैं, मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो खुश हूं। हो सकता है खुशी के आंसू हो। पता नहीं क्यों रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा हुआ, जो तुम चाह रही थी इतनी आसानी से होगी, वरना खुला के लिए कोर्ट के चक्कर लगा ले पड़ते। अच्छा वो चलो सना अंदर चलो, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? प्लीज मम्मा, तन्हा छोड़ दे मुझे। अब इससे ज्यादा और क्या तनाव होना तुम्हें, अब तो तनाई ही तनाई है। वैसे तुम किस बात का सोग मना रही हो, फरहान से तलाक का या फिर आजर से बिछड़ने का, या फिर ये सोच रही हो कि अब किसकी जिंदगी में क्या बर्बादी ला सकती हो? निहार गई आजर की मोहब्बत पाने के लिए अपना सब कुछ हार गई। तुम तो कहती थी ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज। अब बात समझ में आई कि मोहब्बत और जंग में बहुत फर्क होता है। ऐसी नहीं थी, आजर की मोहब्बत ने मुझे पागल बना दिया था, उसके बगैर जीने का तसव्वुर तक नहीं कर सकती थी। सब दाव आजमा कर भी तुम उसको नहीं जीत सकी। मोहब्बत में जीतने के अपने ही उसूल होते हैं। जिस मोड़ पर आजर ने तुम्हें छोड़ा था ना, अगर तुम खामोशी से अपना रास्ता बदल देती तो सुरखुरू हो जाती तुम। मिनाल ने हार कर भी आजर का दिल जीत लिया। काश के आजर मुझे माफ कर दे। अब उससे माफी के चक्कर में ना दोबारा उसके पीछे ना पड़ जाना, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। नहीं मम्मा, आजर का सामना करने की ना ही मुझ में हिम्मत है, मेरी हौसला। तुम्हें अपने लिए और मेरे लिए खुद में जीने का हौसला पैदा करना होगा। बाजार तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में यहीं से शुरुआत है। मुझे ऑफिस वाले मुल्क से बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, कितने दिन के लिए? यही कोई 60 दिन। दो महीने कम है ना। मैं भी उन्हें यही कह रहा था कि बंदा मुल्क से बाहर जाए तो कम से कम 6-7 महीने तो लगा के आता है ना। आजर, मैं क्या करूंगी आपके बगैर 2 महीने यहाँ? तुम चिल करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना, अम्मी की तरफ चली जाना। जी नहीं, मैं नहीं रह सकती इतना दिन। जी बोल रहे हो तुम, मेरे तो सारे वर्क कलीग्स जो शादीशुदा हैं वो यही कहते हैं कि वो जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं उनकी बीवियां बहुत खुशी खुशी भेजती हैं उनको ताकि वो उनके पीछे आजादी मना सके। तुम
लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी आजादी। वैसे मैंने भी नहीं यही कहा था कि मेरी बीवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं तुम्हारी बीवी बहुत खुश होगी। आपकी बीवी आपके बगैर कैसा महसूस करती है ये अब आपके कॉलीग्स आपको बताएंगे, आप खुद नहीं समझ सकते। तुम्हारे रिएक्शन का मुझे अब पता चला ना। खैर अब क्या हो सकता है। आज़र प्लीज आप उन्हें मना कर देना, कहते हैं आप नहीं जा सकते। वो तो मैं उन्हें पहले ही कह चुका हूँ। क्या क्या कहा आपने? मैं मना कर चुका हूँ उन्हें, कह चुका हूँ उन्हें कि 2 महीने में अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आप मुझे तंग कर रहे हैं, बहुत बुरे हैं आप। बहुत अच्छी हैं। क्या अब तो तुम आजाद हो? अब किस चीज का गम है तुम्हें? रिश्ता टूटने का दुख हो रहा है? आपको तो इस बात का तजुर्बा है कि जो रिश्ता नासूर बन जाए उसका टूटना ही अच्छा होता है। आप तो इस कैफियत से गुजर चुकी है ना। लेकिन तुम्हारा और मेरा तजुर्बा एक जैसा नहीं। वो कैसे? मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। अगर उससे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरी फीलिंग्स और। हाँ अगर गाजी के साथ मेरा रिश्ता बन के टूटता तो फिर शायद तुम्हारी और मेरी सिचुएशन को कंपेयर किया जा सकता। नहीं हमारी मोहब्बत थी भी या नहीं, वरना इर्द-गिर्द के कांटों के लिए गुंजाइश ही नहीं निकल। लेकिन फूलों के साथ तो हमेशा कांटे होते हैं, लेकिन वो कांटों की परवाह किए बगैर ही बड़े आबोताब से खिलते। तो जो होना था वो हो गया। पता है मीना, मुझे तुम्हारी तलाक नहीं बल्कि इस बात का दुख है कि तुमने मोहब्बत खो दी। मोहब्बत तो इंसान एक बार करता है मीना। अपने दिल पे हाथ रखकर एक बात सच सच तो बताना। तुमने तो मोहब्बत की, क्या आज़र ने भी तुमसे मोहब्बत की थी? आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कर दिया अपने बाबा? ये करना पड़ा बेटा। मैंने और गाजी ने अच्छी तरह सलाह मशवरा करने के बाद ये किया। अम्मा लेकिन कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता, मुझसे मशवरा ले लिया होता आपने। तुम्हें इन्फॉर्म करते तो सब कुछ खत्म हो जाना था। मिनाल की ईगो तोड़ने के लिए बहुत जरूरी था बेटा। फिर टूटी उसकी ईगो? टूट जाएगी वो। कब बाबा?
जब सब कुछ टूट जाएगा फिर क्या बाकी रह जाएगा? जब इंसान के पास कोई चीज होती है ना तो तब उसे उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता, उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं पा रहा होता। लेकिन जब वही चीज उससे छिन जाती है, दूर चली जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसने क्या खो दिया। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है बाबा। जिस तरह मैं सना को माफ नहीं कर सकता, उसी तरह शायद मनाल मुझे कभी माफ ना करे। सना ने जो कुछ किया वो जानबूझकर और अपनी मर्जी से किया, और आज़र बेटा जो कुछ तुमने किया वो अंधेरे में और गलत फहमी में किया। अपने आप को सना के साथ मत मिलाओ। पता नहीं बाबा, मुझे तो अब अपने अंजाम से ही डर लग रहा है। आयशा बाजी ने भी कई बार कहा है और तुमने भी कि मैं नीलम से शादी कर लूं। फिर आप राजी हो गए? नहीं, मैं तुमसे कुछ अपने हवाले से बात करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें और रूमी को बाप बन के पाला, मामू बन के लाड किया, दोस्त बन के हल्ला गुल्ला किया, शरारतें की। नीलम मुझसे नाराज है, वो समझती है कि मैं बुजदिल हूं, क्योंकि मैंने उसे कोर्ट मैरिज नहीं किया। लेकिन आपने क्यों इनकार किया था मामू? तुम्हारी और रूमी की वजह से, क्योंकि तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी और मैं कोर्ट मैरिज करके कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। लेकिन अब तो आप शादी कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली, सब यही कह रहे हैं और नीलम भी यही चाहती है। तो फिर? मैं उसे फिर से इनकार कर चुका। क्यों मामू? देखो बेटा, ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बेटी का घर उजड़ा हो और मैं अपना घर बसा रहा हूं? तो ज्यादती है मामू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हम इस मौजे से हटकर दूसरी कोई बात करते हैं। मैं बाप बनकर भी नहीं, मामू बनकर भी नहीं, दोस्त बनकर तुमसे कुछ सवाल पूछना है। वादा करो सच सच बताओगे? मैंने आपसे हमेशा सच ही बोला है। अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका, जिस तरह से तुमने चाहा मैंने उस तरह से तुम्हारा साथ दिया, इस सवाल का तुम्हारे फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा हूं। पूछिए, क्या बात है? क्या तलाक के बाद तुम अपने फैसले पे पछताई हो? एक और सवाल, क्या तुम आज़र से अब भी प्यार करती हो? शायद, पता नहीं। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, हाँ या ना। अच्छा,
जो मैंने डिवोर्स के पेपर्स दिए थे वो कहाँ है? वो जरा ला के दूँ। क्या किया आपने मामू? आज़र, कैसे मुमकिन है? हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। तलाक देने का हक सिर्फ मियाँ और बीवी को हासिल है, मामू और ससुर को नहीं। क्यों अहमद भाई? बिल्कुल ठीक कहा गाजी भाई। हम दोनों कौन होते हैं इनके जाती मामलात में दखल देने वाले? फ्राडिये ये हम दोनों ने मिलकर प्लान इसलिए बनाया कि तुम लोगों की ईगो जरा नीचे आ जाए, हैं? क्या समझे? सॉरी। अरे भाई, ये तुम लोगों का सॉरी का सेशन अगर खत्म हो गया हो तो हमारा शुक्रिया ही अदा कर दो, खास तौर पे गाजी का। थैंक यू मामा। जिस तरह आपने मुझे और हासिर को मिलाया है, मैं भी आपको नीलम आंटी को मिलाऊंगी। लेकिन मैं तो जा रही हूं। नहीं प्लीज, आप नहीं जा सकती, रुक जाए। तुम्हारे रुकने पर तो नहीं रुक सकती, लेकिन अगर कोई और कहे तो। मामू प्लीज कुछ बोले ना। नीलम रुक जाओ, सब तुम्हें रोक रहे हैं। अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी, कभी भी नहीं। नीलम प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें रोक रहा हूं। इधर तशरीफ लाइए, आइए। और मैं इधर जाता हूं। शाबाश, अब क्या ख्याल है, कोई निकाह खान काजी वगैरह बुला लिया जाए? चलो भाई, मुबारक, बहुत मुबारक हैं। तू मोहब्बत, तू ही आदत।